मध्य प्रदेश में अब तक औसतन 11.1 इंच बारिश हो गई है, जो मानसूनी कोटे के कुल बारिश का 30% है। फिलहाल मानसून ट्रफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टरबेंस के एक्टिव होने से आंधी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। ग्रंथाय एजुकेशन, अब कोटा वाली फैकल्टी सागर में। ग्रंथाय एजुकेशन IIT व नीट का सर्वश्रेष्ठ संस्था मकरोनिया सागर मध्य प्रदेश। इस वजह से मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का दौर चलेगा। शुक्रवार को राजगढ़, राय सेन, हरदा, बैतूल और बालाघाट में तेज बारिश हो सकती है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया, मानसून ट्रफ गुना से होकर गुजर रही है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर भी है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिव है, इसके आगे बढ़ने की संभावना है। इस वजह से आगे कुछ दिन तक कई जिलों में तेज बारिश होगी। प्रदेश में गुरुवार को भी तेज बारिश का दौर जारी है। भोपाल में करीब 1 घंटा तेज बारिश हुई, इस दौरान 38 मिलीमीटर यानी 1.5 इंच पानी गिर गया। सबसे ज्यादा बारिश ग्वालियर में 3 इंच हुई, मंडला में 1.7 इंच पानी गिर गया। रायसेन, छिंदवाड़ा, रीवा, सागर और बालाघाट जिले के मलाज खंड में भी तेज बारिश हुई है। अब कोटा वाली तैयारी सागर में। IIT, JEE हो और नीट, ग्रंथाय एजुकेशन, बेहतरीन फैकल्टी टीम, रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लासेस, कंप्लीट कवरेज ऑफ सब्जेक्ट, परफेक्ट स्टडी मटेरियल और एक ऐसा एकेडमिक सिस्टम जहां आपके बच्चों को मिलता है शून्य से शिखर तक पहुंचने का अवसर और पाइए 90% तक स्कॉलरशिप का मौका। तो आज ही संपर्क करें ऑफिस ग्रंथाय एजुकेशन, बालाजी प्राइड बिल्डिंग, बजरिया, राजा खेड़ी, मकरोनिया, सागर। 9399048086, 8103966993।